टारगेटेड कि बताओ कितने लोग हो सकते हैं टारगेट क्वालिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो धुआंधार लग जाओ, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया माहौल नहीं बनेगा। और इतना बढ़िया जो माहौल बना हुआ है ना, जो आदमी, क्योंकि बोला जाता है जब तूफान चलता है तो बहुत सारे पत्ते बहुत सारे कागज उड़ते हुए चले जाते हैं, सेम इसी तरह से जो टारगेट क्वालिफाई का जो तूफान चला हुआ है ना, अपने आप को अगर इस तूफान की रुख में अगर आपने अपने आप को कर लिया ना, तो मेरे दोस्त यहां से उठ के और टारगेट के नजदीक पहुंच जाओगे। और जितने लोग तूफान के विपक्ष, तूफान के बिल्कुल पैरेलल में, तूफान के बिल्कुल अगेंस्ट चलते हैं ना, उन लोगों का कहीं ना कहीं सर्वनाश हो जाता है। हाँ या ना? तो ये जो टारगेट का तूफान चला हुआ है, तो इसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करो, धुआंधार अपना साथ दो। और अगर आपने साथ दिया तो ये पक्का है, क्योंकि हमारा जो मिशन है इस बार का वो हल्का मिशन नहीं है। लेकिन यहां से जाने के बाद बहुत सारे लोग बातों में आएंगे जो आदमी 2000 रुपए कमाता नहीं है, बातों में आएंगे जो 20000 रुपए कमाता नहीं है। और बहुत सारे लोग आपको डायलॉग बोलते हैं, ए कंपनियां चलती थोड़ी है, ऐसे होता थोड़ी है, यस और नो? तो इसका मतलब आपको अगर खुद पे विश्वास है कि हाँ, जब पवन यादव ट्रिपल डायमंड विनर्स बन सकता है, जब रामकिशन यादव ये लेवल पे आ सकता है, तो इसका मतलब जब जयपाल चौधरी जैसा बेचारा कम पढ़ा लिखा आदमी जब बताओ ट्रिपल डायमंड बन सकता है, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी बताओ क्या करंट है कि नहीं है? क्या आपके भी सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है? क्या आपका भी दिल बेहतर बार धड़कता है कि नहीं धड़कता है? तो इसका इन लोगों का बेहतर बार दिल धड़कता था, इनके साथ से चल रही थी, इन लोगों ने करके दिखा दिया। अगर आपने भी दमदारी दगा लगा दी ना, और आपने अगर दमदारी के साथ काम करना शुरू किया, तो दोस्त इस बात का मैं आपको लास्ट में विश्वास दिलाता हूं, बस लगातार चलते रहना, क्योंकि चलते का नाम गाड़ी है, खड़ा तो साला जुगाड़ है। हाँ या ना? खड़ा तो क्या है? जुगाड़ है। तो यहां से जाने के बाद दिल लगाओ इस काम के अंदर। बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि यह काम कैसे नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको मैसेज जो देना चाहता हूं वो ये है कि दिल लगाओ इस काम के अंदर, क्योंकि जब जब आपका दिल लगेगा ना इस काम में, बड़ा काम होगा। जब जब आपका दिल लगेगा ना इस काम में, बड़े चेक आएंगे। और जब जब आपका दिमाग लगेगा ना फालतू की चीजों में, तो मैं बोलता हूं जो बड़े बड़े चेक है ना, वो भी धड़ाम से नीचे आएंगे और लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या दिल लगाया जा सकता है? तो लास्ट में मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि सर का इंपोर्टेंट टाइम है। के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गोल्ड डायमंड। थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ स्टार परफॉर्मर आए थे आज, जिनको देखा मैंने, और बड़ा जल्दी उन्होंने मेरे दिल में जगह बनाई है। और हमेशा योगेश यादव सलूट करता है उन लोगों को, उन जवानों को, जो जान पे खेल के अपने इरादों को पूरा करते हैं। क्योंकि हमने पिछले 12 साल में, इसी 17 सितंबर को मैंने 12 साल दोस्त कंप्लीट किया है इस बिजनेस में। बहुत सारे, थैंक यू थैंक यू, ये आप लोगों का प्यार रहा पिछले 12 सालों में। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने स्टेज से कॉल किया और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि हमने तो भाई साहब साथी और संगीत चुन लेते हैं, लेकिन लोग ही बीच में बेवफाई कर जाए तो करें क्या। हमने स्टेज के माध्यम से पिछले 12 सालों में बहुत सारे लोगों को अनाउंस किया, जिसमें मेरे बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे सितारे जो आगे बैठे हुए हैं, इनको भी कभी कॉल किया गया था, और इन्होंने उस आवाज को, उस शब्दों को, उस भावना को फील करते हुए मुट्ठी बंद करके इन्होंने अपने आप को डायमंड क्लब में ला के और साबित किया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इन सारे के सारे मेरे डायमंड सिंगर के। थैंक यू सो मच। तीन लोग हैं, तीनों के तीनों बहुत तेजी से आएंगे। पहला नाम अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, उस टीम से मैं बहुत प्यार करता हूं, दिल के करीब हो गई है बहुत जल्दी वो टीम, और मुझे उम्मीद है वो टीम बहुत आगे जाएगी, ऐसी मेरी कामना है। और उस टीम का कैप्टन मिस्टर नरेश यादव, कम ऑन द स्टेज। महेंद्र खिचर, थैंक यू सो मच। एक नाम और बुलाना चाहूंगा, बहुत जल्दी मेरे सपने को पूरा करने वाला है वो टाइगर, राजस्थान का टाइगर, जिसका नाम है मिस्टर मदन सिंह चौधरी। गिव ए बिग हैंड, जोरदार तालियां, और जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। अभी आपको नरेश जी ने काफी बड़ा काम किया है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू कमिटमेंट के साथ,
तो सुनना चाहिए इनको दो मिनट, यस और नो? चलिए मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूं मिस्टर नरेश यादव, प्लीज कम ऑन। आ गया बेटा। दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश यादव सेफ सो परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों इस बिजनेस की स्टार्टिंग मैंने आज से 5 महीने पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी। एक प्राइवेट कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, लेकिन अभी 3 दिन पहले मैं इस रेजिग्नेशन देकर इस बिजनेस को मैं फुल टाइम कर रहा हूं, और 5 महीने के अंदर अभी मैंने अपनी नई कार अचीव करी है मैंने अभी। और दोस्तों मैंने कमिटमेंट कर रहा है फुल, क्योंकि दोस्तों मेरी लाइफ के अंदर मैंने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है। मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे जो कि जिनको मैं पूरा करना चाहता था, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन मुझे अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे मैं रह के एक अच्छा मैं मुकाम हासिल करूंगा, और मैं थैंक यू धन्यवाद देना चाहूंगा योगेश यादव सर का कि जिन्होंने आज अपने इतने बड़े नेटवर्क के अंदर जिन्होंने आज मेरे यहाँ पर नाम अनाउंस करा है। और इनका क्या है कि ये वादा मैं पूरा करके दिखाऊंगा, 2018 के अंदर मैं डायमंड शिप का रिकॉग्निशन आज सभी लोगों के सामने पूरे जोश और जुनून और पूरे होशावास में रह के आप सभी के सामने वादा पूरा करूंगा मैं 2018 के अंदर कि मैं डायमंड शिप लेके रहूंगा 2018 के अंदर। सर 2018 के अंदर। साथियों नमस्कार, सबसे पहले तो सेफ सो परिवार और मेरे गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा नाम महेंद्र बिश्नोई, रहने वाला मैं यहीं बीकानेर से, राजस्थान बीकानेर से हूँ। सेफ सोप में आने से पहले मैं पावर प्लांट में जॉब किया करता था। जाने अनजाने में किसी अननोन शख्स के माध्यम से किसी मिस्त्री की दुकान पे मैं बैठा था, और बताने प्लान उनको आए थे, और वहीं मैं बैठा, मैंने देखा प्लान, और सुभाजी सर के द्वारा मुझे प्लान दिखाया गया था, और मेरा इतना इंटेंशन नहीं था काम करने का, मगर जब देखा प्लान और जब यार दोस्तों ने शाम को बैठ के विरोध किया था, तो मेरा मन किया था एक बार करके ज़रूर देखूंगा। और मैं आया, और आने के बाद जब मैं सर की मेहनत पूरा श्रेय सर को जाता, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां की, क्योंकि आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो पूरा एकदम इसका पूरा श्रेय हमारे गुरुजी सर को जाता है, क्योंकि इन्हीं की गाइडेंस में कंटिन्यू में इन्हीं की हर चीज़ इन्हीं को फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मेरे में इतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाता। दूसरा, मैंने कंटिन्यू हर मीटिंग जब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ, कभी भी कोई भी मैंने मीटिंग ट्रेनिंग या कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने घर छोड़ दिया, मगर और सेफ सोप की जो भी मीटिंग ट्रेनिंग कंटिन्यू थी वो मैंने सारी कंटिन्यू रखी। घर छोड़ के अलग रह के मैंने अपना काम शुरू किया, और मैंने काम किया, और यहाँ तक अब सर ने जो इतना बड़ा मुझे दिया है, इसके लिए मैं सर के लिए बहुत बहुत एकदम। दूसरा, सर के नेटवर्क में 30 से ज़्यादा टारगेट क्वालिफाई करवा के दिखाऊंगा सर अभी, और 9 एकदम है, एक अभी आज हो गया है, और 9 अभी एकदम इसी वीक में कर दूंगा, और 30 से ज़्यादा टारगेट क्वालिफाई करवाऊंगा। 26 सितंबर 2018 को डायमंड शिप पक्का सर मेरा, एकदम डन सर। दोस्तों नमस्कार, साथियों नाम मदन चौधरी और बीकानेर का रहने वाला हूँ, और इस सिस्टम से पहले सेफ सोप से पहले मैं TCS में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता था, और एक दिन मैं मिसेज के साथ गुड़गांव मेट्रो से दिल्ली जा रहा था, तब मिस्टर शेर सिंह जी अननोन मिले थे मुझे, और इन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि साहब एक बढ़िया काम है, आप जॉब के साथ एक एक दो दो घंटा करके और बढ़िया इनकम ले सकते हो। तो दोस्तों मेरे को प्लान 1 महीने बाद दिखाया गया, और वहाँ से जब मैं देखने गया तो मेरा मन हो गया इस काम को करने का, और फिर मैंने इस काम को स्टार्ट किया एज ए पार्ट टाइम, और हर बार मैं हर संडे मतलब हर फ्राइडे को बीकानेर जाता था, क्योंकि होम सिटी बीकानेर थी मेरी, और फिर मुझे महेंद्र जी रिसीव करने आते थे जो अभी यहाँ पे खड़े थे, और मैं घर नहीं जाता था, 2 दिन वहीं रहता था, और ऐसे करके दोस्तों शुरू में बहुत विरोध हुआ, घर वालों ने परिवार वालों ने सब ने विरोध किया, और शेर सिंह जी मेरे साथ थे, और सर ने मुझे पग पग पे संभाला, सपोर्ट दिया, और जिसकी वजह से मैं 16 महीना तक लगातार पार्ट टाइम करता रहा, और फिर मैंने जॉब को रिज़ाइन करने का डिसीजन दिया, क्योंकि उस समय मेरा 1000 से ज़्यादा की टीम हो गई थी, और टीम में मेरे को लगा था कि मेरी ज़रूरत है टीम में, और दोस्तों फिर फुल टाइम लगा, और जब मैं सुभाष जी के और जयपाल सर के और योगेश सर के डायरेक्ट टच में आया, तो मुझे लगा यार ये ऐसे लोग मिलते ही नहीं है, और इनको देख के मेरे मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे जब सर का कॉल आता था, और दोस्तों वहाँ से डिसीजन लिया मैंने, कहा अगर मदन चौधरी जिंदा है तो इस काम को करेगा, और फिर मैंने करना शुरू किया। दोस्तों कभी मैंने मतलब मैं जब से ज्वाइन हुआ हूँ मैंने 1 मिनट भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये काम मेरे से होगा नहीं, और
काफी सारा सपोर्ट दिया, मुंबई से बजरंग जी जगदीश जी ने बहुत सारा सपोर्ट दिया, और सूरत से महेंद्र सिंह जी ने सपोर्ट दिया, और बीकानेर टीम ने और सुभाष सैनी जी ने, जयपुर से अजय गोदारा जी ने, ये जो सुरेंद्र जी फ्रंट लाइन के जितने भी लीडर है, इन्होंने मेरे लिए मतलब एकदम जी जान से खेल के काम किया, क्योंकि हमारी टीम एक ऐसी टीम है जो एक आवाज पे चलती है। टीम को अगर बोल दिया ऐसा करना है तो करना है, और मेरा कमिटमेंट है सर कि साला इस टारगेट में 100 टारगेट करके बताऊंगा मैं, 100 टारगेट एनी कंडीशन कुछ भी हो जाए 100। और अभी दो वीक को गुरुजी ने बोला है कैसे ही करके, तो मैंने 14 लोगों का कमिटमेंट दिया है, और जिसमें एक हो गया, एक अभी आज हो गया, और बाकी बचे लोग 12 के 12 लोग मैं वहां पे मीटिंग में आगरा लेके जाऊंगा 2 वीक के अंदर। और सर कमिटमेंट है 2017 में मदन चौधरी डायमंड बन के आएगा, कुछ भी हो जाए, चाहे लठ गाड़ के एकदम कुछ भी हो जाए। और सर के नेटवर्क में जो आज सर ने मेरे को इज्जत दी है, और कसम ऊपर वाले की और अपनी मम्मी की कसम सर, मेरा नाम ऐसे ही आप लेते रहोगे, गारंटी है मेरी सर। थैंक यू। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि हमारी पूरी टीम काम नहीं कर रही, आप बाकी सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। मैं आप लोगों को, इन लोगों को इसलिए मैंने आपसे मुलाकात कराई है कि जब ये लोग कर सकते हैं, विषम परिस्थितियों के बावजूद कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम सारे के सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, इनमें भाई साहब कोई जो है जमीन में हाथ नहीं टेक रखे हैं, हम भी बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। यस और नो? करके दिखा सकते हैं दोस्त। अभी बहुत लोग जा चुके हैं, मेरे गुरु लोग, और हमारी जो टीम है इससे बहुत उम्मीद है। आज सिल्वर एंड अबव को मैंने कॉल किया था, और मुझे खुशी है आप सारे लोग बड़े दूर दूर से, हिंदुस्तान के चारों कोने से आप एक आवाज के ऊपर या इतने दूर चल के आए हैं। तो सिल्वर एंड अबव एक जो नेटवर्क होता है उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट होते हैं। यदि आप लोगों का साथ में जो मुझे मिलता है अगले आधे घंटे, तो मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने आज शेयर करना चाहता हूं जो अभी आपको सिल्वर एंड अबव से ऊपर आप लोगों के लिए समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर लेवल के ऊपर जब आप अगले लेवल पे जाते हो तो पिछले लेवल की जो सोच है, पिछले लेवल का जो दिमाग है, पिछले लेवल के जो विचार हैं, उन विचारों से आप अगले लेवल पे नहीं जाते जेंटलमैन। और जब तक हमारा दिमाग का स्तर नहीं डेवलप होगा, तब तक हमारी इनकम का और हमारी सोच का जो स्तर है वो डेवलप हो नहीं सकता। अभी हम लोग जिस भी स्तर के ऊपर यह काम कर रहे हैं, उस स्तर के ऊपर कुछ बैठे बैठे मुझे अभी फील हुआ कि सिल्वर एंड अबव यहां आया हुआ है। पता नहीं कब ये बातें हुई थी, कब नहीं हुई थी। जब मैं सिल्वर एंड अबव था, गोल्ड लेवल पे जब मैं था, सिल्वर स्टार का मैंने क्वालिफाई किया था, तो ये बातें मुझे मेरे अपलाई ने मुझे बताई थी। और यही वजह था कि पिछले 11.5 सालों के अंदर हमने अपने आप को बनाया है, हर लेवल के ऊपर हमने अपने आप को समझा है कि गेम क्या है। मेरे गुरु श्री देवेंद्र शर्मा जी अभी आपसे बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई साहब 15-15, 20-20 साल लगातार पढ़ाई करने के बाद लोग 20,000 रुपए से 50,000 रुपए नहीं जा पा रहे, और ये जो गेम है, ये जो खेल है सेफ सोप का, ये 4-4.5 साल में ऐसा क्या खेल खिलाएगा आपकी जिंदगी में कि 40 साल के ऊपर भारी पड़ जाएंगे आपके 4 साल। तो मेरे दोस्त, इन 4 सालों को बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही तरीके से हमें खेलना है, क्योंकि आप लोगों की सफलता, आपने जब डिसीजन लिया है, एक आवाज में जब आप इतनी दूर आते हैं, तो मेरा एज ए अपलाइन, एज ए गाइडलाइन, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को गुमराह ना करूं, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे बहुत सारे लोग, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग उन बातों को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आम आदमी बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, लेकिन सब आम आदमी नहीं बनते, क्योंकि हर लोग हर बात को फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ऐसे लोग, उनके बेचारों की कोई गलती नहीं हो सकती, जिन लोगों को कुछ चीज के बारे में पता ही नहीं है और फिर उनकी गलती, उनसे गलती होती है, तो इसका मतलब उनकी अनमेच्योर डेथ होती है वो। तो कम से कम वो बातें हमें पता हो तो हम क्या है, खेल खेल जाएंगे। और मैंने आपको बताया एजुकेशन का रोल है। आज तक हम एक ऐसे बड़े एजुकेशन में पले नहीं जहां पे करोड़ों रुपए की शिक्षा दी जाती हो, और आज सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि हजारों रुपए कमाने वाला आदमी हमें करोड़ों रुपए की शिक्षा देता है, लेकिन बात में और प्रैक्टिकल में फर्क नहीं होता। फर्क जब हम देखते हैं तो वो बातें हमसे ऊपर जाती हैं। हर बार मैंने बोला है, ये जो धंधा है ये आम आदमी से खास बनने का है, लेकिन आम सोच से खास
कुछ डेवलप तभी होगी दोस्त जब उसके लिए कुछ डिसीजन लिया जाएगा। एक आम सोच से खास जाने का जो हमने सपना बनाया है वो सपना पूरा तभी होगा जब हम उसके ऊपर अपना एनर्जी लगाएंगे, हमारा फोकस होगा। 2000 रुपए 10000 रुपए से 1 करोड़ रुपए भाई साहब साल का, लाखों हजारों लोग आपके फॉलोवर हो, एक आवाज के ऊपर लोग आपके लिए जान देने को तैयार हो, तो कुछ तो वॉइस डेवलप करना होगा। ऐसी क्या बात हो जाती है जिनकी वजह से हर लेवल पे, मैंने बात बोली है, हर लेवल के ऊपर लोगों की मौत हुई है नेटवर्क मार्केटिंग में। 12 साल से QSC लेवल से लेके मर्करी लेवल तक की लोगों की मौत देखी है मैंने। फिर हर लेवल पे मौत होती क्यों है, कौन से ऐसे कारण है, तो वो कारण आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं यदि आपके परमिशन है तो। सबसे पहले मैं नमन करूंगा मेरे गुरु लोगों को, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट हो ही नहीं सकती जब तक इन लोगों का नाम नहीं लिया जाए, क्योंकि ये मेरे वो लोग हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को संवारा है, जिन्होंने मेरी जिंदगी को हसीन बनाया है। 2000 रुपए से 2 लाख रुपए तक इन्होंने पहुंचाया है, बहुत बड़ी सोच इन्होंने डेवलप करी है, तो इन लोगों के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। और इस स्लाइड के माध्यम से एक पहला मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं दोस्त, यदि आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी संगत बदलनी पड़ेगी। 10000 रुपए वाला आदमी की संगत में यदि आप रहते हैं तो आप एक बात समझ लें, उसके साथ लगातार आप रहे और लाखों रुपए भी कमा रहे तो वो आपको इस बात के लिए प्रिपेयर कर देगा कि 10000 रुपए में कैसे जीवन जिया जा सकता है। जिस दिन मुझे यह बात पता चली थी, 2000 रुपए वाला दोस्त जिसके अकाउंट का बैलेंस 2000 रुपए है और आपकी संगत लगातार उसके साथ है, भाई साहब कभी आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हो नहीं सकता। 1 करोड़ रुपए का अकाउंट में डालने का सपना बनाना है तो भाई साहब उन लोगों की संगत में आपको जाना पड़ेगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इस बात का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस बात का। आपको ऐसे लोगों को किसी ना किसी वजह से, आज हो सकता है आपके इर्द गिर्द में हो सकता है ऐसे सोच के लोग ना हो, आप जिस बंदे ने कल ज्वाइन कराया है वो आदमी हो सकता है उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। आपकी सोच क्या है, इस बिजनेस में दो लोग होते हैं, एक जन्म देने वाले और दूसरा पालने वाले। जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे ना, वो लोग आज भाई साहब कहीं नहीं है यहां। आज पालने वाले मेरे गुरु लोग कुछ अलग हैं, और जिन लोगों की करोड़ों रुपए की अकाउंटेबिलिटी मैंने देखी थी और उस दिन मुझे यह बात समझ आया, तो भाई साहब मैंने पहला काम यह किया कि मैंने संगत बदला। हम यहां से निकलने के बाद हर काम में हमारे दिमाग में एक फाइल तैयार है, जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं हम अपने उन यारे प्यारे उन यार दोस्तों से बातें करना शुरू करते हैं जिन लोगों के पास 5000 रुपए का भाई साहब दिमाग नहीं है, 10000 रुपए उसके पास आ नहीं रहा, बुद्धि उसके अंदर है नहीं, उस आदमी को हमने रोल मॉडल माना हुआ है, अपना दोस्त माना हुआ है, अपना मार्गदर्शक माना हुआ है, और उस आदमी के साथ रहते रहते हम 1 करोड़ रुपए साल की उम्मीद करते हैं, दैट इज इंपॉसिबल, यह असंभव है और यह जीवन में कभी नहीं होगा। उसका जीता जागता जागता एग्जाम्पल मेरी 10 पीढ़ियों में सारे लोग, जितने भी लोगों ने, मेरा पिताजी 35 साल तक लगातार मजदूरी किया उस आदमी ने, उस आदमी के यार दोस्त वो लोग थे जो बेहतर से बेहतर मजदूरी करना जानते थे। तो आज के बाद आप एक बात दिमाग में पहले ये लेके जाए कि आप, मुझे नहीं पता आपकी संगत किन लोगों से, दोस्त यदि आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो आपके यहां थोक में पड़े हैं अपलाइन, थोक में ऐसे लोग हैं जिनको ही सोच बहुत बहुत बड़ी है, आपको अपनी नजरों से देखना है और उस आदमी को अपना रोल मॉडल मानना है, और उसके बाद उन लोगों की सोच के ऊपर आपको आगे बढ़ना है। ये सारे डायमंड आपके साथ बैठे हुए, बहुत सारे एमराल्ड, बहुत सारे रूबी जो रात दिन लगातार कहीं ना कहीं आपकी सफलता के लिए बातें कर रहे हैं, आपके टारगेट को आगे ले जाने की बातें कर रहे हैं, आपको विदेश यात्रा के लेके जाने की बात कर रहा है। दो तरह के लोग होते हैं, एक आदमी आपको विदेश लेके जाने की बात कर रहा है, दूसरा आदमी बोल रहा है कि भाई साहब आप पासपोर्ट बनवा के करोगे भी क्या, क्या गारंटी है, ये लोग बड़ा सपना दिखाते हैं और हम उस आदमी की बात में खटाक से आ जाते हैं। भाई साहब कल्पना करके देखिए, 2018 में 18 कंट्रियों की यात्रा पे मैं जा रहा हूं, सोच के देखो यदि उन लोगों की मैं सोच में रहता जिनके साथ मैं कंची खेलता था, जिन लोगों के साथ मैं गोलगट्टे खेलता था,
खेलें ऐसे करके। बात आया समझ में कुछ? उनका संगत छोड़ा मैंने, हाँ डायरेक्ट ऊपर से डाउनलोड नहीं हुआ हूं, वहीं से आया हूं। तो साथ छोड़ा तो आज जिंदगी देखो। आज वो बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब वो मिलते हैं ना और पास आते हैं वो रोने लग जाते हैं, योगेश भाई तू कहां हम कहां। फिर वो बोलते हैं तेरी किस्मत बहुत बढ़िया है, और जब वो किस्मत बोलते हैं ना तो मैं हंसता हूं और मैं बोलता हूं यार ये तो भाई नारायण बाबा की दुकान पे मिलेगी, तू भी खरीद ला। इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। फिर सेकंड थिंग, आज मैं 10 बातें बताऊंगा आपके साथ, आपके दिमाग के दरवाजे खुलेंगे दोस्त। पहला, लोग अतार्किक और आत्म केंद्रित होते हैं जिनके साथ आप काम करेंगे, मार्केट में चलेंगे। इंग्लिश में लिखा है पीपल आर इलॉजिकल अनरीजनेबल एंड सेल्फ। ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपसे जिनका कोई लॉजिक नहीं होगा, और अपने मन में आएगी कि साला इस आदमी के लिए मैं इतनी बढ़िया बढ़िया बात कर रहा हूं और ये आदमी मेरे बारे में ऐसा सोचता है, चल कल से तेरे प्लान देना बंद। भाई साहब इसके बावजूद उनसे क्या करना है ये हमारा सिस्टम बोलता है। उल्टा सीधा बोलेंगे, याद करो हमारे समाज में क्या पढ़ाया जाता है कि मेरे लड़के की शादी में ये नहीं आया, 25 साल तक उस बात को याद रखता है और 25 साल बाद छोटा सा बच्चा जो उसका था उसको 25 साल तक ये बात पढ़ाता है, इसका भाई मेरे तू पैदा हुआ ना तब नहीं आया था, तुझे जाना नहीं है। 25 साल तक उस बात को मुट्ठी बंद करके रखते हैं और 25 साल बाद उस दुश्मनी को आगे लेके आते हैं, बोलते हैं याद कर 1975 की वो बात। कितने केयरिंग एटीट्यूड वाले लोग हैं यार, नहीं रखना। आपको यदि आगे जाना है लोग आपके बारे में उल्टा सीधा ठग चोर डाकू साले पता नहीं क्या क्या लोग बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं, उसके बावजूद उनको बोलना है आई लव यू डार्लिंग। उसके बावजूद क्या बोलना है? आई लव यू, हम तुमसे मोहब्बत करता है। उसके बावजूद उनके प्लान देने हैं। डाउनलाइन आएगी, डाउनलाइन की डाउनलाइन, सर जी हाँ आपके बारे में वो ये बात बोल रहा है, साइड हो जा, कोई बात नहीं, अपना डाउनलाइन है, बोल लेने दे, तू कौन, तू खाम खा निकल। इस धरती के ऊपर जितने भी लोगों ने रिलेशन तोड़े हैं ना भाई साहब, दो भाइयों के बीच, दो बहनों के बीच, देवर भाभी के बीच, डाउनलाइन अपलाइन के बीच, सब ये भाई साहब नारद जी आए हैं इस धरती पे, नारायण नारायण, और इतना मीठा बन के घुसते हैं, ओहो हो आनंद आ जाता है। उनकी बात को सुन के लगता है दुनिया का सबसे पूरा बढ़िया से बढ़िया आदमी, दुनिया का सबसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, हितैषी आदमी मेरा यही है। अरे तू कहां था रे नंदलाल, ऐसे तैसे कर देते हैं। क्या मेरे और पवन जी के बीच में बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे? हम दोनों का एक ही लक्ष्य रहा है, जो हमारे आपके बीच आएगा उसको कुंदी लगा के ठोकेंगे। बात आया समझ में कि नहीं आया? आपके और आपके अपलाइन या डाउनलाइन के बीच में कोई भी आदमी आज के बाद जहर घोलता दिखे, नहीं से नहीं मिला के नारद को सावन कुंड में आहुति लगा दे रे बाबा कल्याण मस्तु, उसको ठोको पकड़ के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, बहन और भाई, मैं आपसे एक बात पूछना यह चाहता हूं, जब चार लोग आपके साथ रहेंगे, 10 लोग आपके साथ रहेंगे तो बातें उठेंगी कि नहीं उठेंगे बताओ? yes!
उसके बावजूद उठने दो बातों को, और आपको उनके पास जाना बंद नहीं करना। डाउनलाइन आपसे नाराज होगी, उल्टा सीधा बोलेगी, तुम्हारी गलती भी नहीं होगा, उसके बावजूद तुमको बोलना है भाई मेरे मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे, गले लगा ले यार, खाना तेरे के साथ खाऊंगा, रोटी तेरे साथ खाऊंगा, सोऊंगा तेरे साथ, तू मुझे लात मारता है मार, मैं तुझे नहीं मार सकता। भाई साहब वो आदमी रोने लग जाएगा, गले लगा लेगा, और तह पे जाओगे तो पता चला किसी नारद का खेल मिलेगा तुम दोनों के बीच में गड़बड़ करने का, ये ध्यान देना। और यदि आपके किसी अपलाइन डाउनलाइन से किसी छोटी मोटी बात से यदि द्वेष भावना चल रही है ना दोस्त, वो एक आत्मा है। क्या है? और बहुत ही पवित्र आत्मा है, माफ कर दो यार, क्योंकि हमको आपको बहुत आगे जाना है। तुम्हारे लिए मुझे 5-स्टार कैटेगरी के अंदर कम से कम, तेरा पड़ोसी तुझे रोज जलील करता है ना, माफ कर उसको, माफ कर कोई बात नहीं, 3 साल बाद में तेरे को छोड़ दूंगा, आई लव यू डार्लिंग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तक वो बराबर में है ना, उससे मोहब्बत करो, उसके घर जाओ, बोला रोटी खाऊंगा, आलती पालती मारो। वो बोल रहा है कि योगेश यादव बहुत कमीन आदमी है, गंदा आदमी है, कुत्ता आदमी है, ओके रोटी बना, बात कछु समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही हो? लेकिन साला हम तो बम हो जाते हैं, बम। उसने मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोला? अरे बोल लेना, तेरी माँ के पास वो जाए तो सही, एक बार भूंगड़ा बना देगी माँ तो उसका। किसी ने मेरे को गाली दे दी, बोले बाप ले इतनी गंदी बात क्यों बोली मुझे, लो लो। अरे फूफा ये तो बता, तू जाना कहाँ चाहता है? 2 लाख रुपए पे जाना चाहते हो? डायमंड बनना चाहते हो? लोग कुछ भी बोलेंगे उसके बावजूद भी क्या करना है, उनसे मोहब्बत करना है। और सोचो जब अपने दिल में मोहब्बत होगा तो सामने वाले के दिल में कितने दिन रहेगी नफरत? मेरे भाई रही नहीं सकती, क्योंकि क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती है। आग जल रही है, जब तक उसमें घी नहीं डालोगे तब तक स्वाद नहीं होगा। आग जल रही है ना, तप रहे हो तुम, उसको बोलो और जल और जल और जल और जल और जल, अब ठंडी हो गई, अब बैठ जा आराम से जाके, मजा आएगा। 12 साल में मैंने ये किया, कभी मैंने लाइफ में अंतिम चेतावनी नहीं दिया किसी को, सबको सेकंड लास्ट दिया, सेकंड लास्ट, इसके बाद एक गलती और कर सकता है, उसके बावजूद भी मैं तुझे माफ करूंगा। फिर गलती किया, फिर माफ कर दो। आपको मैं गलतियों से नहीं रोक रहा हूं, दबाकी करो, क्योंकि आजकल के बादाम नकली हो गए, बादाम खाने से अक्कल नहीं आता, गलती करने से खटाखट आता है। खूब करो, दबा दबा के करो, बिजनेस नहीं छोड़ना और प्यार करना नहीं छोड़ना, उसके अलावा खूब गलती करो। गलती जितनी करेंगे ना उतना आप बनेंगे, कोई बात नहीं। बात समझ में आया? पहली बात कर सकते हो, लोगों का व्यवसाय है, 10,000 की टीम पर डायमंड बनोगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई तुमको नाराज ना करे, और किसी को यह पता चल गया कि इसको नाराज करने से चला बिजनेस छोड़ेगा, तो भाई साहब को लाइन तो तेरे बैठा ही है नाराज करने। उसने किया तो तू तो वो बटन है कि तेरी मोटर दूसरे के हाथ में, जब जब दबेगी तब तब अपनी हवा निकलेगी। अपनी मोटर अपने हाथ में, अपनी खूब दबाओ, ऊपर से नीचे तक जितना मन करे उतना दबाओ। अपन नाराज होने वाले सॉफ्टवेयर ही नहीं है, डिलीट कर दिया उसको, पहली बात। बात नंबर 2, आगे चले? चलो जी, बात नंबर 2, आप भलाई करेंगे फिर भी लोग आप पर स्वार्थी होने और छुपे इरादों का आरोप लगाएंगे। लोग बोलेंगे ससुरा ये आदमी काले पेट का है, काले पेट का, ये आदमी खतरनाक आदमी है। और जिसने सुना वो आके बोलेगा सर जी, वो आदमी प्रमोद वो बोल रहा था तू तो काले पेट का, अच्छा उस धोले पेट को आज मैं देखता हूं। अरे क्या बोला तूने, उड़ा दिया उसको उठा के। नो, आप भलाई करेंगे फिर भी कुछ लोग आप पर स्वार्थी होने और छुपे इरादों का आरोप लगाएंगे। टारगेट क्वालिफाई करने जाओगे तुम, लोगों को जिताओगे तुम,
और जिसको जिताओगे ना वो भाई साहब बोलेगा मेरे को क्या जिता रहे हो, तुमको भी तो चेक चाहिए। और फिर तुमको लगेगा ये तेरी के ये तो नकली बात कर दी ससुरा, मन करेगा साला इसके तो प्लान देने ही नहीं है। लेकिन रुको ना 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 ना, उसके बावजूद कल फिर 6 बजे पहुंचूंगा तेरे प्लान देने। तू सोच, तू जितना सोचना चाहता है उतना सोच, मैं तो तेरे ही प्लान दूंगा क्योंकि तू मेरा डायमंड है, तू मेरा हीरो है। खूब तांडव करेंगे लोग, तांडव, तुमको उनको तांडव करने देना है। थक्के बोलेंगे किस मिट्टी का बना है तू, और फिर सरेंडर, वहां से यात्रा शुरू होगी आपकी। कितने लोगों को हटाएंगे हम बताओ, यहां तो वो बोलता है साला पग पग पे धोखा है बाबा, यहां तो अच्छी आत्मा कहां से लाए, श्रीलंका में भी नहीं है, केन्या में भी नहीं है, और भारत भूमि देव भूमि में भी नहीं है, तो राक्षस भूमि से तो मिलेंगे भी नहीं, यहीं से ढूंढने सब मिलेंगे। और एक बात बता दूं आपको, कोई आत्मा खराब नहीं है, वो उसके संस्कार है, वो उसकी पर्सनालिटी है, 15 साल 20 साल तक बनी है। जब आप दिशा में आओगे तो आपको समझ आएगा उस बात का, वो आत्मा खराब नहीं है दोस्त, उसने जो 15-20 साल में जिस माहौल में जो बातें सीखी है ना वो उसके आड़े आ रही है। आपको उसकी बातों पे नाराज होके उसका साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि यदि वो खराब उस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता, और अपन साला क्या बोल देते हैं उसको, अरे जा तेरे जैसे बहुत है, ना 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 ना, उस जैसा धरती पे दूसरा नहीं है। उसके बावजूद क्या करना है, कर सकते हैं। जिगर नहीं भाई साहब, जिगरा चाहिएगा इसके लिए, जिगरा। आपकी बीवी बोलेगी, बीवी तू करता है काम, चेक जाता है नरेश को, आज के बाद जाना बंद। साला बीवी बोल रही तो यार इससे बड़ा कौन। और कुछ लोग बीवी के आप जानते हो कितने बड़े बेताज वो होते हैं, बादशाह, बीवी ने बोला तो एकदम सब कुछ बढ़िया, उसके बावजूद बीवी की बात को नहीं मानना, लेकिन बीवी के सामने एक ही बात बोलना है, यू आर राइट डार्लिंग, कल से उसकी शकल देखना बंद, रोटी बना के ला, इतने अच्छे विचार कहां से लाती है। वो बोलती है ये हमारे मेरी माँ ने सिखाए हैं, वेरी गुड, आपकी माँ को कोटि कोटि नमन बोलना। थैंक यू। अगले दिन सुबह फिर अपने अपलाइन के पास पहुंच जाओ या डाउनलाइन के पास, वो बोलेगी तू आज फिर गया, वो बोला आपने कल के लिए तो बोला था, आज भी नहीं जाना था क्या। फिर वो बोलेगी तू किस मिट्टी का बना है, फिर उसको बोल हम तो तेरे हैं सनम। लव, अगर आप सफल होते जाएंगे, महेंद्र भाई, नरेश, जैसे जैसे तेरा लेवल बढ़ता जाएगा ना, झूठे दोस्त सच्चे दुश्मन बन जाएंगे, सामने कोई नहीं आएगा। ये इस खेल का मजा है, जिससे मिलोगे गले मिलेंगे, इनको बोलते हैं नकली चेहरा। और नकली को कभी नकली नहीं कहना तेजपाल, नहीं तो नाराज हो जाएगा, और नाराज करना नहीं है। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा ना, हर स्तर के ऊपर आपकी जड़ें काटने वाले लोग पैदा होंगे, उसके बावजूद आपको सफल होना है। रोकेंगे लोग आपको, टोकेंगे लोग आपको, दूसरों के माध्यम से आपके रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। आपको राजनीति में घुसना ही नहीं है कि ये किया किसने, ना तुम्हारा आगे छड़ी पड़ी है ना, कोई बात नहीं, अपना रास्ता बदल लो। बोलो नहीं मैं तो यहीं से जाऊंगा, ना
कहां कहां तक रोकेंगे हम, हर लेवल के ऊपर। लोग थोक में तुम गर्म हो, बर्फ की बाल्टी ले लेके पड़े हैं तुमको ठंडा करने के लिए, नहीं होना। बात समझ में आ रहा है? आप आज जो भलाई करते हैं वह कल किसी भी कीमत पे भुला दी जाएगी। राजकुमार, आपकी डाउनलाइन तुझे बोलेगी कि राजकुमार अपलाइन होने के नाते आपने हमारे लिए क्या किया बताओ। फिर तू बोले मैंने कुछ नहीं किया। बताओ तो सरी, मैं तेरे टारगेट क्वालिफाई, टारगेट क्वालिफाई इसलिए क्या, क्योंकि तू आप भी होना चाहते थे। और गुस्सा आएगा, लैपटॉप तोड़ने का मन करेगा, टेबल तोड़ने का, बिल्कुल नहीं तोड़ना, अपनी है, और पड़ोसी की तोड़ी तो पैसा देना पड़ेगा। ये खेल है, यहां से गेम्स चेंज होगा बॉस, सारे गुणसूत्र उल्टे हो जाएंगे यहां से। आप आज जो भलाई कर रहे हैं ना, कल वो हर कीमत के ऊपर भुला दी जाएगी, और लोग फिर उसको क्या बोलते हैं, एहसान फरामोश। नहीं बोलना आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगले स्टेप पे क्या होने वाला है। मदन, तेरी डाउनलाइन तुझे बोलेगी मदन हु इज मदन मदन जाला, टीम को मैंने 50,000 डीडी भिजवाई टारगेट में, आज बोल रहे हुई इज मदन। ऐसा मैं लिख के दे सकता हूं, लिख के होगा तो उसके बावजूद क्या करना है, इसके बावजूद ससुरा भलाई करना है। भलाई कैसे होगी, उसके नीचे एक आदमी और जोड़, उसके नीचे एक आदमी बोलेगा अब तू मेरे नीचे आदमी जोड़ के और मुझे तू ये जताना